मड़ीखेड़ा की पाइपलाइन के लिए खोदी शहर की सड़कें रेस्टोरेशन के नाम पर लिया ठेकेदार ने बजट, नहीं हुआ पैच वर्क, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने लगाए गंभीर आरोप। सीएमओ निर्माण शाखा के कार्यपालन मंत्री सहायक यंत्री जल शाखा के प्रभारी पर ठेकेदार से गठजोड़ के आरोप, साथ ही लगाए कागजी पूर्ति के आरोप। शहर के दो प्रोजेक्टों के चलते खोद कर बदहाल कर दिया गया। खराब हुई सड़कों की रिपेयरिंग रोड रेस्टोरेशन के लिए 4.50 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इतने बड़े बजट से शहर के 39 वार्डों में खोदी गई सड़क को सुधारने के बजाय नपा के कुछ जिम्मेदारों ने साठगांठ करके 3 नई सड़कें बनाकर पूरी राशि ठिकाने लगा दी। शिवपुरी शहर में खुदी पड़ी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बीते साल नगरपालिका ने रोड रेस्टोरेशन के नाम पर 4.50 करोड़ के टेंडर लगाए थे। उस समय तो काम हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद नपा के जिम्मेदारों ने रिपेयरिंग के नाम पर 1-2 सड़कों को दुरुस्त करने के अलावा 3 नई सड़कें बनाकर उक्त पूरी राशि को शहर विकास में खर्च दर्शा कर ठिकाने लगा दिया। ऐसे में शहर के जर्जर सड़कों की हालत और अधिक खराब हो गई है। झील संरक्षण परियोजना के तहत सीवर प्रोजेक्ट का काम पहले नगरपालिका को करना था, लेकिन बाद में ये काम पीएचई ने किया। प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 45 करोड़ थी, जिसमें 10% राशि अंशदान के रूप में नगरपालिका को पीएचई में जमा करानी थी। पीएचई ने उक्त अंशदान की राशि ना लेते हुए उक्त राशि से रोड रेस्टोरेशन का काम करने के लिए नगरपालिका को पत्र भेज दिया था। 10% 4.50 करोड़ की राशि नई सड़क बनाने में खर्च कर दी। आज हम खड़े हैं शिवपुरी नगर पालिका में। शिवपुरी नगर पालिका में काफ़ी दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय है, जो है रेस्टोरेशन घोटाला, रोड रेस्टोरेशन घोटाला। रोड रेस्टोरेशन पे लगभग एक लंबे समय से नज़रें बनाई हुई हैं। उसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए की फंडिंग पीएचई ने दी थी, जो अंशदान के रूप में थी, जिससे कि जो शहर की सड़कें पीएचई ने खोदी थी सीवर प्रोजेक्ट के लिए, उन पर रोड्स का रेस्टोरेशन हो जाए। जो रोड्स आदि बीच से टूट गई हैं उन पर वहीं की वहीं रिपेयरिंग कर दी जाए, जिससे कि सड़कों को पुनः ना बनाना पड़े। जबकि इस पूरे मामले में उस राशि से 3 सड़कें बनाकर और वो 4.5 करोड़ का जो रोड रेस्टोरेशन था उसको कहीं नहीं किया गया, और सिर्फ 3 रोडें बनाकर उसको ख़त्म कर दिया गया। अब बात करते हैं इस मामले में अधिकारियों से। जब हमने इस मामले में अधिकारियों से बातचीत करनी चाही तो ना तो शिवपुरी नगर पालिका सीएमओ कुछ बोलते नजर आए, ना ही इस मामले में अगर बात करें तो ई नगर पालिका बागड़ी जी कुछ बोलते नजर आए, ना ही इस मामले में कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। जब इस संबंध में हमने नगर पालिका उपाध्यक्ष से बात करी तो उनके पूरी तरीके से आरोप थे कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ से इस पैसे का गमन हुआ है। इस मामले में सीएमओ से बात की गई कि इस मामले में जांच कराई जाए, तो उनके द्वारा भी मामले को घुमा दिया गया, ना ही इस संबंध में कैमरे के सामने आकर कुछ भी बात कहते नजर आए। तो अब देखना ये होगा, हमने इस संबंध में अकेले उपाध्यक्ष नहीं, कई पार्षदों की बैठ ली। अगर बात करें सूत्रों की तो कई पार्षद जिनकी सत्ताधारी हैं भाजपा, उन्होंने भी दबी जुबान में इस घोटाले की जांच करवाने की बात कही, लेकिन कैमरे के आगे आने से मना कर दिया। विपक्ष और सत्ताधारी दल के खुद उपाध्यक्ष इस पूरे मामले को गंभीरता से लिए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज है परिषद, आज परिषद में ये मामला उठता है अथवा नहीं उठता है, ये घोटाले को लेकर बात करी जाती है अथवा नहीं करी जाती है। जनता के करोड़ों रुपये को पलीता लगाने वाले उन ठेकेदारों, उन अधिकारियों को सजा मिलती है अथवा नहीं मिलती है। मैं अजरा सक्सेना, शिवपुरी। नगर पालिका में रोड रेस्टोरेशन के नाम पर 4.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भैया, ये जो पिछले परिषद में जो 4.5 करोड़ का जो इशू हुआ था, तो क्या बताएं, उसमें उसकी खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ 2-3 रोडों की रिपेयरिंग के नाम पे पूरा इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और उसके दुष्परिणाम इतने हो रहे हैं कि आए दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग हॉस्पिटल में पहुँचाए जा रहे हैं, और इस तरह के माने घोटाले हो रहे हैं, और यहाँ की परिषद देख रही है, और सीएमओ दे रहे हैं, देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय देख रही हैं, और हम लोगों से पूछो कि अभी तो कितने घोटाले अभी और खुलने वाले हैं, आप देखिएगा उसको। मेरे वार्ड की स्थिति भी कोई खास नहीं है, सारे हमारे 39 जो पार्षद हैं
सभी बहुत परेशान हैं और परिषद के नाम पे पिछला कुछ काम होता नहीं है, आगे बढ़ा दिया जाता है और हम लोग बोलते हैं कि हमारी सुनवाई हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहला फर्ज है कि हमारी परिषद में सुनवाई हो। बोलते हैं लास्ट में, और लास्ट में ये वाल होता है कि दोनों दुम दबा के और निकल लिए जाते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को अपने वार्ड में निकलना तक दुश्वार हो रहा है, हम क्या जवाब दें? 1% काम नहीं हुआ है हमारे वार्ड का। कल परिषद की बैठक भी होने वाली जी, तो क्या कुछ कहेगा? नहीं, कल परिषद की बैठक है और कल हम लोग जो उसमें आउटसोर्स के लिए जो 50 वो रखे हैं कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उसके बारे में मैं पूरी पूछना चाहूंगी किसके अधिकार से रखे जा रहे हैं ये, और इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग हो जाएगी और इनके माने किसके परिचित के रहेंगे, किसका इनके ऊपर पूरा हाथ है, कौन रखेगा इनको, ये हम पूरी बात जानना चाहेंगे। नगर पालिका में 4.5 करोड़ का घोटाला हुआ, पेट पार्टी के नाम पे क्या कहना है आपका? यार ये 2021-22-23 का जो रोड रेस्टोरेशन का जो पैसा आया था 4.5 करोड़ के समथिंग, 4.3 करोड़ के आसपास का आया था, इसमें पेज रिपेयर का काम करना था। जो मणि चढ़ा की जो लैंड डाली गई थी वार्डों में, डिस्ट्रीब्यूशन लैंड जिसको बोलते हैं, उस पेज रिपेयर का पैसा आया था और शायद मुझे ऐसा लगता है कि 39 वार्डों में कहीं काम हुआ है कहीं नहीं हुआ। इस बीच में उस पेज रिपेयर के नाम से न कहीं रोड डाली है, ये इसका स्पष्टीकरण ना तो कोई आर आई सब इंजीनियर न CMO कोई दे पा रहा। मैंने इसका मुद्दा पहले परिषद में भी उठाया था, पूछा भी था, लेकिन सारा गोलमाल है तभी तो ये नहीं बता रहे। अगर सही चीज़ दिशा में काम होता तो ये हमको स्पष्टीकरण देते, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ अगर काम किया कहाँ किया तो ये बताएं ना पूरी परिषद को। मैं अकेला पार्षद नहीं हूँ, 39 पार्षद है इस वार्ड के, पूरी परिषद के सामने इस बात को रखना चाहिए इनको, और इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। जो आदमी काम करता है वो चौड़े में करता है और जो काम नहीं करता वो अंधेरे में करता है, तो अंधेरे में क्यों, उजाले में रखो ना इस चीज़ के लिए। इस शहर की जनता को बताएं, नगर पालिका परिषद को बताएं, हमको बताएं, देश के और भी वरिष्ठ लोगों उनको बताएं कि हमने कहाँ काम किया है। अगर काम किया है इन पे आरोप नहीं लगेगा, और नहीं किया तो ये आरोप के घेरे में है, स्वाभाविक बात है यार। चोरी ऊँट कहते हैं ना कि ऊँट के नोरे चोरी नहीं होती, होती है क्या? ऊँट तो काफी ऊंचाई तक का ऊंचा होता है। जिले में कुछ ऐसे भी ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, भी उनसे काम किया करवाया जा रहा है, ये तो मनमानी है ना। किस तरह का? ऐसी मनमानी नहीं होना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, हमारी शहर की बोली वाली जनता काम ही चाहती है, और हम जनप्रतिनिधि उनने हमको चुन के भेजा काय के लिए, भेजा काम के लिए यार, और काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। जब शहर का विकास होगा, काम होगा, तो हमें अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा, जिससे हम उनके बीच में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि नहीं हमने, हमारी परिषद ने ये काम किया है। आज हम जनता के सामने जा नहीं पा रहे क्योंकि काम ही नहीं हुए, किस मुँह से उनके पास जाएँ, हमें अपने आप में शर्मिंदगी है भैया। इसलिए हमारा निवेदन है CMO साहब से, पूरी नगर पालिका से, कि इसका स्पष्टीकरण करें, कहाँ इनने काम किया, कहाँ कराया है, वो फाइल परिषद में लाएं और सारे पार्षदों को बताएं, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैम, नगर पालिका में 4.5 करोड़ का मेंटेनेंस के नाम पर घोटाला हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे शोपरी शहर में 2 प्रोजेक्ट के चलते हुए हमारी सारी सड़कें हैं, यहाँ तक कि 39 वार्ड की सड़कें पूरी जर्जर हो गई थी उनके उसके लिए, मतलब पिछली बार जो टेंडर लगाया था 4.5 करोड़ का, तब तो नहीं हो पाया था, पर इस बार हुआ और आप देखिए मतलब क्या हालत हो रही है। 4.5 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, उसको उन्होंने सिर्फ 3 रोडों को दर्शा के और 2-3 का मेंटेनेंस करके और सबकी मिली जुली भगत से, उसमें हमारे जो ठेकेदार हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, CMO लिप्त हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय लिप्त हैं कि उसमें ऊपर तक लिप्त हैं, है क्योंकि BJP की सरकार पूरी घोटाले की सरकार मानी जा रही है और विकास के नाम पे हमारी पूरी शुपरी ठप पड़ी हुई है जी। तो अब ये हो रहा है कि उन सड़कों का अभी भी आप हाल देखिए और 2 महीने बाद आप बारिश देखिए, कितने एक्सीडेंट होने हैं, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो रहा है और जैसी की तैसी स्थिति अभी बोई बनी हुई है। पूरे 8 महीने हो चुके हैं, 4 परिषद हो चुकी हैं, परिषद में कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम बोलते हैं कि हमारी बात जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी बात को सुना जाए तो बोलते हैं बाद में सुनेंगे, और जब बाद आता है तो वो दोनों दुम लगा के वहां से निकल लिए जाते हैं, ये हालत है परिषद की। कल परिषद की बैठक भी होने वाली है, तो क्या पूछ रहेगा? परिषद की कल हमारी बैठक है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि परिषद तो बात की बात है क्योंकि हम जो आवेदन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मैं चाहूंगी कि मैं जो मुद्दे लेके जा रही हूं उनकी सुनवाई हो, अगर उस बात की सुनवाई नहीं होती है
तो फिर आप कल ही देखिएगा क्या होता है। देखो 2021-22-23 से 4,28,00,000 रुपए आया था नगर पालिका के पास रोड रिस्ट्रक्शन के लिए, उसमें से उनने 3 नई सड़क डाल के और 3,76,00,000 रुपए का भुगतान कर लिया है। और रोड रोडन के नाम पे 3 सड़क डालने के बाद जो पेचवर्क करना था वो कहीं पेचवर्क नहीं किया गया है। मेरे वार्ड है, बहुत काफी वार्ड है जिसमें पेचवर्क नहीं किया गया है और रोडों की दुर्दशा आप देख लो जाके, पेचवर्क पाइपलाइन मणि के लिए जो पाइपलाइन आई थी उसके लिए पेचवर्क किया गया था, एक वार्ड में कहीं पेचवर्क नहीं किया इन लोगों ने, और 3,76,00,000 रुपए का भुगतान भी कर लिया है। काफी समस्या, पूरी रोड खुद ही गली है, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं और रोडों में आने पानी में गंदगी फैल रही है रोडों पे और काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इस चीजों को लेके। कल परिषद की बैठक है तो क्या आप क्या करने वाले हो? परिषद में चीजों का मुद्दा उठाएंगे। नगर पालिका में 4.5 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बारे में आपका जो आप बता रहे हैं 4.5 करोड़ के बारे में, आई थिंक ये हमारे कार्यकाल से पहले का समय में ये कार्य हुए हैं और अब इसकी जानकारी अधिकतर एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये मानना है इसके अंदर कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि 4.5 करोड़ रुपए में क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या किए गए और किस किस ने किए। तो बाढ़ों की स्थिति क्या है? बाढ़ों की स्थिति तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं, अभी थोड़ा कार्य करने की कोशिश की जा रही है पूर्ण रूप से, ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ों में कोई दिक्कत है ज्यादा। कार्य करने की कहां से स्थिति की जा रही है जब वो पेचवर्क के लिए पैसे आए 4.5 करोड़? नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी तो एक्चुअली मैंने उसको बताया ना आपको कि उसमें तो जांच होनी चाहिए। मेरी नजर में ये है कि 4.5 करोड़ रुपए का उपयोग रेस्टोरेशन कार्य के लिए आया गया था वो, और रेस्टोरेशन होना चाहिए था उस समय क्योंकि वो मणिखेड़ा के रेस्टोरेशन के लिए आया था कार्य, तो मणिखेड़ा का ही रेस्टोरेशन उसमें अगर समय किया जाता, मेरा यह मानना है, तो काफी रोडों को बचाया जा सकता था जो कि आज इस कंडीशन में आ चुकी है कि काफी जर्जर हो चुकी है रोडें। तो मेरा मानना है कि बहुत, मेरी नजर में तो वो जो भी हुआ उसका उपयोग सही नहीं हुआ। कल परिषद की बैठक भी होने वाली है, तो क्या कुछ रहेगा आपका? परिषद में एक्चुअली मेरा जो फोकस है शहर के स्वच्छता के लिए जो अध्यक्ष जी कार्य कर रही हैं, मेन मेरा कंसर्न अभी स्वच्छता पे भी है काफी, तो उसमें जो आउटसोर्सिंग की बात चल रही है मैं उसके पक्षधर हूँ कि कुछ कार्य कर्मचारी हमें जरूरत हो गई है। अब शहर भी काफी बड़ा हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 साल पहले शहर कहाँ था, आज शहर बढ़ के बहुत काफी आगे हो चुका है, तो उसमें कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और कर्मचारी बढ़ाए जाने चाहिए और आउटसोर्सिंग के थ्रू बढ़ाए जाने चाहिए जिससे कि कर्मचारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो और वो अच्छा कार्य कर सके शहर में। घोटाले के बारे में आपका कुछ रहेगा परिषद में? मैं अभी एक्चुअली ये नहीं कह सकता कि घोटाला जब तक जांच नहीं हो, मैं ये कहता हूँ लेकिन जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जवाबदार हैं उसके उनके लिए कार्रवाई भी होना चाहिए, जैसे कि जिससे कि शहर के अंदर आगे से ये इस टाइप का कोई कार्य ना हो। शिवपुरी में रोड रेस्टोरेशन घोटाला प्रमुखता से छाया हुआ है, अभी लगातार 10 दिनों से अखबार और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, उसको लेके कल परिषद की बैठक है, उसको लेके आपका क्या कहना है? इतना बड़ा घोटाला हो गया, इस परिषद से पहले अधिकारियों कर्मचारियों ने और ठेकेदारों ने मिलके इस पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया, शहर की दुर्दशा को दर्द कारक कर दिया, क्या कहना है आपका इसमें? बड़ा दुखद है, शिवपुरी की जनता ने हम पे बड़ा विश्वास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया और यह उम्मीदें थी कि सभी को कि शिवपुरी के विकास में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन परिषद के गठन के 8 माह बाद भी पूर्व में एक सीएमओ रहा, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी निलंबित कर गए, दूसरा सीएमओ साहब भी आए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो मैंने महसूस की है, सिविक अधिकारी जिसमें सीएमओ और निर्माण शाखा के कार्यपालन मंत्री, सहायक यंत्री और वो जल शाखा प्रभारी, ये सारे मिलकर ठेकेदारों से इनका एक बड़ा गठजोड़ है और केवल कागजी पूर्ति कर रहे हैं और शहर को की स्थिति में कोई काम नहीं किया है। मेरे ही वार्ड में अमृत जल योजना में खुद ही लाइन पड़ी हुई है, उसमें लोग गिरते हैं, नालियां टूटी हैं शहर की 50-60 नाली, प्रतिदिन महिला बच्चे मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। इनने रेस्टोरेशन के नाम पे कोई काम नहीं किया, थोड़ा बहुत करके खाना पूर्ति करके नहीं भुगतान निकाल लिया। परिषद में लिए गए निर्णय, पश्चिम परिषद में लिए निर्णय के 20 लाख रुपये के प्रत्येक वार्ड में काम होंगे, उसका कोई पालन नहीं किया। वार्ड के पार्षदों को परेशान किया जा रहा है, वो बेचारों को मजबूर किया जाता है, उनकी फाइलें रोक दी जाती हैं, उनके काम नहीं किए जाते, जनता पार्षदों के घर चक्कर लगाती है, बहुत बुरी। मैं कल परिषद में इस मुद्दे को पूरी जोर बहुत बुलंदी से उठाऊंगा और मैं मांग करूंगा परिषद से और पर सभी परिषद का कर्तव्य है कि इसकी जांच लोकायुक्त से कराई जावे, उच्च स्तर पर इन लोगों दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी भी कई पूर्व में
जो ब्लैकलिस्टेड फर्म है उनसे कार्य कराए जा रहे हैं कागज छुपाकर। इस पे भी आपके द्वारा संज्ञान में ला रहा हूं मैं मुद्दा कि पूर्व में ब्लैकलिस्टेड फर्म है, प्लस अभी लाडली लक्ष्मी पद पे भी काम चल रहा है, कई वार्डों में एक फर्म का काम चल रहा है और उसके द्वारा लगातार काम रोक के एस्टीमेट चेंज करने की प्रक्रिया की, लाडली लक्ष्मी पद का मार्ग का काम रोक दिया गया जबकि वो एक दिव्य स्वप्न था महाराज का। मुद्दा तो इस बात का ये कि वो सिविल कॉन्ट्रेक्टर गठजोड़ अधिकारियों का तो व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है जबकि प्रदेश के प्रधानमंत्री कह रहे जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शहरों को आधुनिक बनाया जाए, शहरों में सुविधाएं दी जाए, मूलभूत सुविधाएं दी जाए, पार्षदों के वार्डों में लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा है, ठेकेदारों को सीपरी में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।